फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ना इम्पॉर्टेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसका यूज़ करके ना हम ढेर सारे बहुत ही यम्मी यम्मी से जो है डिलीशियस फूड रेसिपी जो है रेडी करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ जो फ्रेश ब्रेड क्रम्स है उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे आसानी से आप घर पर बहुत ईजिली बना सकते हैं और ढेर सारी टेस्टी डिलीशियस और अमेजिंग रेसिपीज़ जो है रेडी कर सकते हैं। बाज़ार से ये ब्रेड क्रम्स ना काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन घर पर आप इजीली कम बजट में इन्हें बना सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल चटपटी चटोरी रसोई। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इजी और डिलीशियस रेसिपी है। इजीली आप इसे बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मार्केट स्टाइल जो है फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए सिंपली ब्रेड इस तरह के। ये देखिए, मैंने यहाँ पर व्हाइट ब्रेड लिए हैं, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं अगर आप ब्राउन ब्रेड क्रम्स बनाना चाहते हैं तो। ये देखिए, हमें सिंपली इस तरह की ब्रेड लेनी है और लेना है एक ग्राइंडिंग जार, और ब्रेड को जो है टुकड़ों में तोड़कर हम जो है इस जार में ऐड कर देंगे। ये देखिए, सभी जो ब्रेड के टुकड़े हैं मैंने अच्छे से तोड़ दिए हैं और ग्राइंडिंग जार में जो है डाल दिए हैं। ये फ्रेश वाले ब्रेड हैं जो इजीली हम खाने में नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, जो बिल्कुल एकदम फ्रेश ब्रेड मिलता है बाज़ार से, ये वही ब्रेड है जिसे मैंने जो है टुकड़ों में अच्छे से कट कर दिया है। ये देखिए, इन्हें अच्छे से जो है ग्राइंड करना है और ग्राइंड करके हमें इसका जो है एक क्रम्बली सा जो है ना क्रम्बल्स बनाने हैं। अच्छे से अभी ने जो है ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए इस तरह के जो है ब्रेड क्रम्स हमारे बनकर बिल्कुल रेडी है। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है फ्रेश ब्रेड को टुकड़ों में तोड़ दिया था। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड ना हो तो ये जो इस तरह की ब्रेड होती हैं जिन्हें हम कभी कभी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन रेसिपीज़ में हमारी पूरी ब्रेड यूज़ नहीं होती है, हमें सिंपली जो है उनका बीच का जो पार्ट होता है ना ज़्यादातर वो ही यूज़ में लेना पड़ता है, बट साइड के जो ये एजेस बच जाते हैं, ये कॉर्नर्स बच जाते हैं ना, इन्हें बिल्कुल भी फेंकिए मत। इन्हें आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में उनसे जो है ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ये देखिए, ये पार्ट जो है रेसिपी में यूज़ हो जाता है, लेकिन जो ये साइड में कॉर्नर्स बच गए हैं ना, इसे आप जो है ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ में जो है इस तरह का सिंपल एक छोटा सा पीस हमें जो है यूज़ में लगता है, लेकिन बाकी बची हुई सारी ब्रेड जो है ऐसे ही बच जाती है। इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे और इस तरह के जो है ना फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ब्रेड क्रम्स हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए, बहुत ही अमेजिंग बने हैं। फ्रेश ब्रेड क्रम्स से ना आप बहुत सारे टेस्टी डिलीशियस जो है स्नैक्स बना सकते हैं। ब्रेड क्रम्स दो तरह के होते हैं, एक फ्रेश ब्रेड से जो बनाए जाते हैं ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स, और दूसरे होते हैं ड्राई ब्रेड क्रम्स। आप जब ब्रेड को जो है थोड़ा सा रोस्ट करके रख लेते हैं तो आप उन्हें जब मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में पीसेंगे तो वो ड्राई जो है ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे, या फिर इस तरह के जो ब्रेड क्रम्स हैं इन्हें आप बाद में 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर किसी पैन में अच्छे से रोस्ट कर लीजिए और ठंडा होने के बाद किसी जार में एयर टाइट कंटेनर में इन्हें बंद करके फ्रीज में रख दीजिए। तो हमारे जो है ये ड्राई जो है ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाते हैं। इन ब्रेड क्रम्स से आप ढेर सारे इस तरह के जो है ना टेस्टी और डिलीशियस जो है स्नैक्स बना सकते हैं और झटपट जब भी मन करे इन्हें जो है इन्जॉय कर सकते हैं। फ्रेश ब्रेड क्रम्स को अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 3 से 4 दिन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो आप इन्हें जो है 10 से 15 दिन के लिए जो है इस्तेमाल में ले सकते हैं। और जो ड्राई ब्रेड क्रम्स होते हैं उन्हें रोस्ट करने की वजह से उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और आप उनका इस्तेमाल जो है मंथ या 2 मंथ तक जो है कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ब्रेड क्रम्स की ये रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल चटपटी चटोरी रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।